इसी तरह से एक लास्ट क्वेश्चन ये भी है जिसमें आपको ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है 6.67 - 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब आप समझो न्यूटन लिखा जहाँ होता है वहाँ समझ जाओ ये एमके सिस्टम है, वैसे भी मीटर किलोग्राम भी आ रहा साथ में, और इसको कन्वर्ट करना सीजीएस में। तो क्वांटिटी होगी जी, डायमेंशन फार्मूला आप जानते ही हो, एन टू इजिकल टू एन वन, एम वन अपॉन एम टू माइनस वन, एल वन अपॉन एल टू थ्री, और टी वन अपॉन टी टू माइनस टू। एन वन की वैल्यू 6.67 - 11 जो गिवन है, ठीक है, ऊपर लिखे हैं के जी मीटर सेकेंड, नीचे ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड। अब आप ये ढूंढते रह जाओगे सर न्यूटन तो कोई मिला ही नहीं, तो बेसिकली न्यूटन कोई यूनिट ही नहीं होती, यूनिट तो के जी मीटर सेकेंड है, न्यूटन से उनसे मिलके बना हुआ है। तो इसलिए आप ऐसी कोशिश नहीं करेंगे एम वन या एल वन या टी वन के प्लेस पे कहीं न्यूटन वर्ड लिखेंगे, है ना, ये मास की किलोग्राम है, लेंथ की मीटर है, टाइम की सेकेंड है, और नीचे वाली ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड, फिर ऊपर वाले को कन्वर्ट करना आपने। देखो 10^3 ग्राम, 10^2 सेंटीमीटर, नहीं, और ये सेकंड तो सेकंड ही है, तो ये आ गया -3 पावर, ये आ रही, ये 3 × 6 पावर आ गई, सॉल्व करके आंसर आ गई। और जो जैसे वहाँ न्यूटन था एमके सिस्टम में, तो फोर्स में सीजे सिस्टम होता डाइन। बेसिकली मैं बता दूँ आपको कि जो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता वो फोर्स की एमके यूनिट है, और बच्चों इसी को नाम करते हैं आप लोग न्यूटन। जो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ये भी फोर्स है, ये सीजीएस सिस्टम में है, और इसी को नाम करते हैं आप डाइन। तो इसलिए जहाँ न्यूटन था वहाँ डाइन आ गया, बट आप ये नहीं सोचना कि यहाँ कहीं मैं न्यूटन लिखूँगा, यहाँ कहीं न्यूटन नहीं आने, यहाँ वही आएंगे जो तुम जान